ये मजाक नहीं कर रहे हैं। आप सांसद को बोलोगे आप गाना गाओ, ये तमीज है आपकी। चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मन से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है। इसको बिल्कुल नहीं क्षमा किया जाना चाहिए। जब इतने इनको पता नहीं कि सांसद से कैसे बात करते हैं तो छात्र से कैसे बात करेंगी। चलो आप जाके बैठो नीचे। सब जानते हैं इनको, ये मनोज तिवारी जी हैं, सांसद हैं लोकसभा दिल्ली से, दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। इतना अहंकार भर गया है कि एक शिक्षिका ने जब इनसे गाना गाने की फरमाइश कर दी तो उस पर भड़क पड़े, उस पर बरस पड़े और उसके छात्रों के सामने उसको इतना बेइज्जत करा जो सबने देखा, और उस पर कार्रवाई तक करने की बात कही कि उन्होंने ये कहा, नाराजगी ये थी कि आप एक सांसद से गाना गाने का कह रही हैं, इस तरह से एक सांसद से बात की जाती है। सांसद आप बाद में, मनोज तिवारी जी पहले गायक हैं हमेशा से, और अगर उसकी बात इतनी बुरी लगी थी तो फिर ये क्या था जो आपने दो दिन पहले कहा। अरे इंडिया टॉप लागेलू, लागेलू इंडिया टॉप लागेलू, कमरिया 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 करेला पाता कमरिया जो सांसद जी चिढ़ गए थे, नाराज हो गए थे उनके गाना गाने की फरमाइश पे कि सांसद से ऐसे बात करते हैं, सांसद से गाना गाने का कहते हैं, वही सांसद जी अपने घुटनों पर बैठकर एक महिला से उसकी कमर की तारीफ कर रहे थे, उसकी लिपस्टिक की तारीफ कर रहे थे, गाना गा रहे थे सबके सामने। गाना भी कितना भद्दा, जो एक सांसद को क्या शोभा देता है गाना, कि वो ये कह रहे थे जो भोजपुरी में गाना है जिसका अर्थ है कि जब लिपस्टिक लगा लेती हो तो डिस्ट्रिक्ट हिल जाती है, और जब कमर हिलाती हो तो पूरा का पूरा इंडिया उसके ऊपर हिलता है और लॉलीपॉप जैसी लगती है। ये सांसद जी को गरिमा देती है, ये प्रतिष्ठा है सांसद की, ऐसे गाने गा रहे हैं। और जब शिक्षिका ने पूछ लिया, गाना गाने की फरमाइश कर दी तो उससे बरस पड़े। सुनिए सांसद जी, एक शिक्षिका जो है वो किसी भी सांसद और किसी भी मंत्री से ऊपर रहेगी हमेशा, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। मेहरबानी करके अपनी तुच्छ राजनीति के अहंकार से निकलिए बाहर, और उस शिक्षिका को, उस टीचर को, उस गुरु से माफी मांगिए आज। आप चंद पैसों की खातिर आप घुटनों पर बैठ कर इतना गंदा गाना गा सकते हैं, इतना भद्दा गाना गा सकते हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि लॉलीपॉप जैसी कमर लगती है और तू क्या लगती है, लिपस्टिक लगाती है तो पूरा डिस्ट्रिक्ट हिल जाता है, और एक शिक्षिका का इतना अपमान। और मोदी भक्तों, मेहरबानी करके अगर तुम्हारी पार्टी या कोई गलती करा करे तो उससे माफी मंगवा लिया करो। एक शिक्षिका, एक महिला की इज्जत हर सांसद और हर मंत्री से ऊपर रहेगी। ये जो पाखंड भर गया है आज, ये देश के लिए सबसे खतरनाक है। जय हिंद, जय भारत।